आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर के आई हूँ ना, ये टेस्टी के साथ साथ बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। जी हाँ, ये है कोहड़े के फूल का बचका। हमारे साइड पे छत्तीसगढ़ में इसे कोहड़े के फूल का बचका कहते हैं। कहीं पे इसे पकौड़े भी कहकर बुलाया जाता है। बस बनाने का तरीका लेकिन एक ही होता है। बनाया कैसे जाता है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। बाकी मैं बता दूं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको मार्केट में ये कहीं भी मिल जाते हैं ना, तो आप लोग इसे बिल्कुल छोड़े नहीं, तुरंत अपने घर पर लाएं और इसे बनाएं। ये बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। आंखों के लिए ये फायदेमंद है, पेट के लिए फायदेमंद है, हड्डियों को मजबूत करता है। मतलब मैं क्या क्या ही बताऊं इसके बारे में, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है ये। आपको जहां भी मिले आप बिल्कुल लें, और नहीं तो आप अपने घर पे भी इसे लगा सकते हैं। कोहड़े के आप बीज ले आइए, आप उन्हें अपने गार्डन में, आपकी जगह है तो वहाँ पे डाल दीजिए। ये कुछ टाइम बाद लग गए अगर ना, तो बहुत सारे फूल होते हैं इसमें। और फिर आपको करना क्या है, तोड़ करके इसको आप बढ़िया से धोकर साफ कर लीजिए। अब एक मिक्सी का जार लीजिए, वहां पे अगर आपके पास चावल है तो चावल ले लीजिए, और नहीं तो चावल का आटा अगर हो, जैसे मेरे पास था, तो वो चावल का आटा लीजिए। हरी मिर्च लीजिए, लहसुन ले लीजिए, ये सब ऑप्शनल है, नहीं लेना चाहते हैं तो मत लें, सिर्फ चावल ही ले लें। पानी डाल करके बढ़िया सा बैटर रेडी कर लें, स्वाद के अनुसार नमक डालें, मिक्स करें। इसके बाद जो आपने कोहड़े के फूल को धो करके साफ करके रखा है, आप उसे इसमें डालें, अच्छे से पूरा इसे मिलाएं। और फिर पैन में थोड़ा सा बस तेल डालना है, ज्यादा इसमें तेल भी नहीं लगता। ये नहीं कि कढ़ाई भर के तेल डाल दिया, अभी से हमें तलना है, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा तेल डालिए और आप इस तरीके से, जैसे मैं देखिए इसमें बना रही हूँ पैन में, बिल्कुल ऐसा बनाइए। बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, यकीन मानिए। अगर कभी नहीं खाया है ना, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, अगर आपको मार्केट में मिल गया तो। और नहीं, गांव देहात में तो वैसे अक्सर ही मिल जाते हैं, बड़े शहरों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है इन सब चीजों। और अब मैं आप लोग से सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। थैंक यू।